हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेक्सचर बिल्डर कैसे यूज करते हैं वो हम दिखाएंगे। ठीक है, टेक्सचर बिल्डर कमांड। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लिया, सॉरी स्क्वायर ले लिया, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो। इसको मैं पैच करके सरफेस बना लेता हूँ। ठीक है, अभी हमें आर्ट में जाके 3 नंबर कमांड टेक्सचर बिल्डर लेना है। ठीक है, ये पहला जो बॉक्स है उसमें आपको सरफेस डालना है। ठीक है, ये दूसरा जो इमेज वाला बॉक्स है वो देखोगे जो इनबिल्ट इमेज है वो आ गया, वो फोल्डर में क्लिक हो गया। अब दूसरा इमेज भी ले सकते हो। ठीक है, तो इमेज को मैंने अप्लाई किया। ठीक है, ये टेक्सचर आया और इमेज के हिसाब से बराबर आया नहीं। ठीक है, तो हमें जो ये रिजोल्यूशन लो था वो हाई कर देना है। ये देखो अभी टेक्सचर आ गया जैसा था। अभी ये हमारा टाइल्स एक्स टाइल्स वाई है। ठीक है, एक्स में आपका एक्स डायरेक्शन में क्वांटिटी कितना करना है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा दोगे तो ये आपका जो टेक्सचर का साइज छोटा होगा, कम करोगे तो बड़ा साइज होगा। तो ये आपको इमेज देख के करना है, इमेज के हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड वाला कमांड वही है। तीसरा जो कमांड है ये आपका रोटेशन है। तो आपको सीधा रखना है कि रोटेट करना है, कितना डिग्री रोटेट करना है, ये वो कमांड है। ठीक है, चौथा आपका हाइट है। इसका ज़्यादा कुछ काम है नहीं, ये आपको ये जो बॉक्स का हाइट है ये आप 0 रखोगे तो भी चलेगा, माइनस में करोगे तो ये उल्टा साइड में आएगा। ये जो टेक्सचर का पैटर्न है देखो उल्टा साइड आ रहा है। प्लस में रखोगे तो ये देखोगे टेक्सचर ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये आपका हाइट है, डेथ है टेक्सचर का, डेथ। मैं 3D व्यू में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो हाइट आपका बढ़ रहा है। तो ये हाइट कम ज़्यादा करने के लिए है। ठीक है, ये हाइट मैंने ज़्यादा रखा है तो टेक्सचर का हाइट थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, नहीं तो आपको प्रोडक्शन में लेवल आएगा। ठीक है, तो 0.5 0.6 तक आपको रखना है। अभी ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरा टेक्सचर आ गया, सरफेस को मैं हाइड कर देता हूँ, सिर्फ टेक्सचर को रखता हूँ। इसका व्यू मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये टेक्सचर हो गया। अभी मैं एक दूसरा टेक्सचर लेके देखता हूँ। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में चला जाता हूँ टेक्सचर का, कोई दूसरा टेक्सचर लेते हैं। ठीक है, ये वाला यूज करता हूँ। ठीक है, ये टेक्सचर मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे मुझे हाई करना है। ये टेक्सचर बराबर आ रहा है, मैंने जो लास्ट में जो मेजरमेंट दिया था वही मेजरमेंट है इसमें भी। ठीक है, ये क्वांटिटी आप कम ज़्यादा करके भी देख सकते हो कैसे आ रहा है, आपका जो पैटर्न है इमेज है उसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा मैंने रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये टेक्सचर हो गया मेरा। अभी ये जो पार्ट है ये आपका मेस फाइल है और ये सरफेस है, ये सॉलिड नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको हम सॉलिड बनाएंगे। ये स्मूथ फैक्टर में 1 देता हूँ। ठीक है, ये स्मूथ हो गया, एक बार बैक करके देख लेते हैं पहले कैसा था अभी कैसा हुआ। पहले ऐसा था। ठीक है, दूसरा पार्ट भी करके एक बार देख लेते हैं स्मूथ। ठीक है, ये अभी ऐसा है, पहले ऐसा था, अभी ऐसा स्मूथ है। अभी इसको हम सॉलिड कैसे बनाएंगे, इसको हम ऑफसेट सरफेस करके सॉलिड नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है मेस में
ऑफसेट मेस, ठीक है, इससे हम इसका सॉलिड बना सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, सॉलिड जो बनाएंगे ना वो हम नीचे के साइड में बनाएंगे ताकि ऊपर का पैटर्न जो है बराबर रहे, ठीक है। सॉलिड का जो आप थिकनेस अगर ऊपर के साइड दोगे ना तो ये पैटर्न आपका दिखेगा नहीं। इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तो बराबर है, इन केस डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ आएगा तो वहाँ पे मैंने 0.5 जो दिया ये -0.5 करना है, ठीक है। ऊपर का साइड बराबर आ रहा है, इसको भी एक बार आप स्मूथ कर सकते हो, मेस को भी अगर ज़रूरत पड़े आकर लगे कि ये आपका सॉलिड पार्ट बराबर नहीं है, थोड़ा स्मूथ नहीं है, तो इसको भी आप स्मूथ कर सकते हो। तो इसको आप कोई भी सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी रिंग बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो उस पर आपको इस तरीके का पैटर्न है तो उसमें आप यूवी या दूसरा कमांड यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो।